कि सबसे निशल मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वेशंस को नंबर मार्क करेंगे सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द नंबर सेकंड ठीक सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं टेकिंग इक्वेशन वन है क्या इक्वेशन फर्स्ट टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री टाइम्स वाई इक्वल्स टू इलेवन अब इस इक्वेशन में से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे जाके क्यों क्योंकि टू के साथ एक्स मल्टीप्लाई कर रहा था मल्टीप्लाई वाला जब इक्वल टू के बन जाएगा तो डिवाइड करेगा सो मार्क टू द इक्वेशन नंबर थर्ड ठीक है यही बताया था मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड मार्क कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन लेने के बाद उसमें से जो एक्स की वैल्यू निकलेगी उसको मार कर दीजिए एज ए इक्वेशन नंबर थर्ड अब इसी थर्ड को किसमें पुट करेंगे क्या बताया था मैंने इन इक्वेशन नंबर सेकंड में क्योंकि फर्स्ट से तो जनरेट किया ये पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू इलेवन माइनस थ्री बाई टू इन इक्वेशन नंबर सेकंड सेकंड इक्वेशन है क्या पहले वो लिखिए यहां लिख रहा हूं मैं टू टाइम्स एक्स माइनस फोर टाइम्स टू माइनस ट्वेंटी फोर एक्स की वैल्यू क्या है 11 minus by upon 2, यही substitute करनी है. है, ठीक क्लियर हो गया टू से टू कैंसिल हो गया ठीक पीछे क्या बच गया इलेवन माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर ठीक है माइनस थ्री इलेवन वैसे ही माइनस थ्री और माइनस फोर माइनस सेवन क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है दोनों वेरिएबल्स तो सॉल्व कर सकते हैं हम तो माइनस सेवन बाई माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी थर्टी फाइव कैसे माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी फोर प्लस इलेवन दैट इज थर्टी फाइव बट बड़ी टर्म का साइन नेगेटिव है सो so यू 35।, minus 35 डिवाइडेड बाई माइनस सेवन माइनस कैंसल सेवन वन दिन फाइव तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव ठीक है वाई की वैल्यू निकल गई यही बताया था मैंने आपको थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को किसम पुट करना है जो हमने थर्ड जनरेट की इन इक्वेशन नंबर सेकंड में जब सेकंड में पुट कर लोगे एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास वाई की मिल जाएगी अब लास्ट में हम यहाँ पे वाई की वैल्यू जब हमने जनरेट कर दी है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे जिससे हमारे पास एक्स की भी वैल्यू इजिली आ जाएगी यहां पे ही करता हूं ताकि आपको इजीली पता चल जाए यहां पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वाई टू फाइव इन इक्वेशन नंबर थर्ड में वी गेट थर्ड इक्वेशन क्या लिखी थी हमने एक्स इक्वल टू इलेवन माइनस थ्री बाई होल डिवाइडेड बाई टू एक्स इक्वल टू इलेवन माइनस थ्री बाई की वैल्यू क्या थी फाइव होल डिवाइडेड बाई टू

हेंस वर्ड होगा तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू को यूज करके ही आपको एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले तो एम की इक्वेशन क्या दी गई है यहां लिखा गया है नाउ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस थ्री ठीक है अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकालिए एक्स है माइनस टू वाई है फाइव एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू एंड वाई की वैल्यू क्या लिखी हमने फाइव यही दो सब्सिट्यूट की

ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन जो एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें एक्स एम की वैल्यू पूछी गई थी तो एम की वैल्यू क्या निकल गई टू माइनस वन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई है वैसे फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड ओके क्या पार्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन है इसके कुछ पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर अगर दो नंबर का आप डिफरेंस करते हैं तो वो किसके इक्वल है ट्वेंटी सिक्स ये आपको पहली कंडीशन बोलता है अब नेक्स्ट क्या बोलता है? वन नंबर इज थ्री टाइम्स मतलब द अदर नंबर अब सबसे पहले टू नंबर को अज्यूम कर दो यहां पर क्योंकि टू वेरिएबल है लेट द वन नंबर बी बी एक्स कंडीशन बना के सॉल्व करते हैं वो ज्यादा इजी होगा एंड द अदर नंबर बी वाई ठीक है दो नंबर्स ले लिए क्योंकि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स की बात की थी लेट अस सपोज दैट लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था कहता है कि दफ डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज ट्वेंटी सिक्स अगर दोनों नंबर का आप डिफरेंस करते हो तो वो किसके इक्वल होगा ट्वेंटी सिक्स के इक्वल तो दोनों नंबर है क्या है एक्स और वाई एक्स और वाई दो नंबर so है डिफरेंस मीन माइनस करना सो दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन कंडीशन क्या बात की है बोलता है कि वन नंबर वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर वन नंबर कौन सा था एक्स विच इज थ्री टाइम्स थ्री वैसे ही टाइम्स होता है मल्टीप्लाई करना द अदर नंबर द अदर नंबर इज वाई तो एक्स इक्वल्स टू थ्री इंटू वाई क्या हो जाएगा थ्री वाई प्लस थ्री वाई आ जाएगा तो माइनस थ्री में आ जाएगा तो ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड जब इक्वल टू क्या जीरो लग जाए इक्वल टू जहां पे भी लग जाए वो इक्वेशन कह जाती है अगर इक्वल टू नहीं लगाओ तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं ये भी याद रखिएगा ठीक है कुछ कुछ की पॉइंट में आपको साथ साथ बताते जा रहा हूं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो गए ठीक है ये हमारे पास दो इक्वेशन जनरेट कर दी अब दो इक्वेशन जनरेट जब हमने कर दी अब इसको हम सब्सिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें मेथड सबसे पहले क्या बोलते सिक्स यहां से हम x की वैल्यू अगर जनरेट करें तो ट्वेंटी सिक्स प्लस वाई तो यहां पर आ जाएगा थर्ड इक्वेशन क्योंकि फर्स्ट सेकंड हो गया इसको क्या मार्क करना है थर्ड इसी थर्ड को पुट करना है हमने सेकंड में फर्स्ट में नहीं करना है याद रखिए क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन सही थर्ड इक्वेशन जनरेट की थी हमें पुट द वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट सेकेंड इक्वेशन है क्या है पहले वो देखते हैं सो एक्स माइनस 3y 0. X की जगह पे क्या सब्सिट्यूट करना है और सबको समझ आ रहा है? कोई तो है कोई डाउट नहीं ना जिसको भी जो भी डाउट होगा सो so so, में से आई जाएंगे टू टाइम्स वाई बच जाएगा प्लस माइनस 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 में इसलिए यहां पे माइनस आए तो यहां पे आ जाएगा माइनस टू टाइम्स वाई ट्वेंटी सिक्स वहां जाएगा तो माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस एंड वैल्यू ऑफ इज इज थर्टीन क्योंकि तो मल्टीप्लाई था जाके डिवाइड अब इसको लास्ट में, किस में पुट करना होता है थर्ड क्या है एक्स इक्सिव ट्वेंटी सिक्स प्लस तो मिल गई यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू थर्टीन इन इक्वेशन नंबर थर्ड विकेट थर्ड इक्वेशन थी क्या पहले सबसे पहले बोलो एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स वाई की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करनी है थर्टीन एक्स इक्वल टू थर्टी नाइन फोर वन नंबर जो हमने एक्स बोला था वो है थर्टी नाइन एंड अदर नंबर सेकेंड नंबर जो हमने क्या बोला था बाई वो क्या निकाला हमने थर्टीन ठीक है अब इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं क्या वाक्य में ये सही था कि नहीं था पहली कंडीशन दी थी कि अगर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करते हो विच इज ट्वेंटी सिक्स तो पहला नंबर है थर्टी नाइन माइनस थर्टीन तो विच इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स कंडीशन ठीक है दूसरी कंडीशन बोली थी कि पहला नंबर जो है वो थ्री टाइम्स अदर है फर्स्ट नंबर जो है वो थर्टी नाइन है थ्री वैसे ही वाई की वैल्यू थर्टीन थर्टी नाइन इज ऑल्सो इक्वल्स टू थर्टी नाइन यह भी कंडीशन ठीक है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है जो दो नंबर well थे वो थर्टी नाइन एज वेल एज थर्टीन थे ठीक है ओके okay, समझ आ गया चलिए इसको रब कर देते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स स्मॉलर बाय डिग्री सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 180 होता है ठीक है क्लियर हो गया तो क्या कंडीशन में बोलता है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल्स की बात की है जैसे अभी हमने नंबर्स की बात की थी वैसे यहां पे एंगल्स की बात करती है लेट मान लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री एंड दि स्मॉलर एंगल एंगल B by डिग्री ठीक है एंगल है तो डिग्रीज का याद रखिए यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे पहले पहली कंडीशन में बात क्या की है सप्लीमेंट्री की बात की है इसने तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है सबसे पहले हम यहां पे ये लिख देते हैं कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री ठीक है ठीक है दो एंगल्स कौन से थे एक्स और वाई

तो क्या होगा x इक्वल टू वाई प्लस एटीन आप इसको ऐसे लिख लो x प्लस वाई यहां जाके माइनस वाई यहां पे क्या आ गया 18 डिग्री नंबर ठीक है याद रखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है और लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से एक्सीड करता है तो 18 डिग्री तो x इक्व एटीन डिग्री ठीक है प्लस वाई यहां जाके माइनस वाई अब जब दो इक्वेशन क्रिएट क्रिएट कर ही हमें हम सब्सिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं सब्सिट्यूशन का रूल क्या है सबसे पहले क्या बोलते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन एटी एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे यहां पे वन एटी माइनस वाई क्योंकि प्लस वाई युवा देखें माइनस वन सो मार्क टू बी द नंबर इन इक्वेशन नंबर थर्ड क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो हो गया सो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन नंबर किस सेकंड में एज अ रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड

एटीन डिग्री एक्स की जगह वन एटी माइनस वाई ये माइनस वाई वैसे ही एटीन वैसे ही वन एटी माइनस वाई माइनस टू वाई एटीन वैसे ही. ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वाई और वाई टू टाइम्स वाई होता है ठीक है माइनस टू बाई एटीन वैसे ही प्लस वन एटी वहां जाके माइनस वन एटी माइनस टू माइनस वन सिक्सटी

ठीक तो जिससे हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी यहां पे लिखते हैं y है क्या पहले वो देखिए एक्स इक्वन एटी माइनस वाई दिख रहे ना सबको वन एटी माइनस वाई एक्स इक्व टू वन एटी वाई की वैल्यू एटी वन इट मीन वैल्यू ऑफ एक्स नाइनटीन नाइनटी देखो ये बड़ी आई वैल्यू ये छोटी आई लार्जर एंगल इट मीन द लार्जर एंगल इज 99 नाइन डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज एटी वन डिग्री तो यहां पे लिख लेते हैं देयर फोर लार्जर एंगल जो हमने एक्स डिग्री बोला था विच इज 99 नाइन डिग्री एंड स्मॉलर एंगल जो हमने वाई डिग्री बोला था वो कितना आ गया एटी वन डिग्री ठीक है ये रहे हमारे दोनों क्वेश्चंस। इफ बी एड कोई डाउट तो नहीं रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइस सेवन बैट्स एज वेल एज सिक्स बॉल्स फोर रुपीज थर्टी एट हंड्रेड ओके लेटेस्ट बाइस कितने बैट थ्री बैट्स खरीदते हैं और फाइव बॉल्स खरीदते हैं

सेवन वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज की तो बताइए हर एक बैट की और हर एक बॉल की कीमत क्या होगी ओके चलिए सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीस एक्स ठीक रुपीस का ध्यान रखिएगा एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एक बैट और एक बॉल की कीमत है ये ठीक है क्लियर अब पहली बार में कितने बैट्स खरीदे थे उन्होंने According to first condition, पहली बार बैट्स कितने थे सेवन सिक्स बॉल्स बैट की कीमत है एक्स और बॉल्स की है वाई मतलब सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल्स दोनों का मिला के सम करके कितने पैसे पे किए थे उन्होंने

50 रुपीस डालते हैं यहां पे भी, ठीक तो मार्क तो भी द इक्वेशन नंबर सेकंड चलिए दो इक्वेशन क्रिएट कर लिए हमने तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए टेकिंग इक्वेशन प्लस वेगन 7x plus 6y equals to 38 100 7x 38 minus

अब हम इस एक्स की वैल्यू को कहां पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर सेकंड में एज ए रूल ऑफ पुट ट्यूशन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू थर्टी एट हंड्रेड माइनस सिक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड विकेट सेकंड इक्वेशन है क्या थ्री एक्स प्लस फाइव वाई विच इज इक्वल टू वन सेवन फाइव थ्री वैसे ही ध्यान से देखिएगा

इनके नीचे कुछ नहीं है तो वन होल क्या लेतेवन डबल वन फोर डबल जीरो तक क्लियर है सबको सेवन को इसके साथ फाइव के साथ मल्टीप्लाई किया एल्सियम लिएवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एलसी थर्टी प्लस माइनस माइनस दोनों वाई बने थर्टी फाइव में से एटीन जाएंगे सेवेंटीन बाई पॉजिटिव है इसलिए यहां पे पॉजिटिव आया अपॉन सेवन वन सेवन फाइव सीरोवन फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाई सेवन ठीक है, प्ल, प्ल, है क्लियर हो गया यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर ही देते यहां पे जगह है वन वन फोर वन वन फोर जीरो जीरो प्लस सेवनटीन बाई मल्टीप्लाई करो सेवन जीरो जीरो सेवन फाइव फाइव थ्री कैरी सेवन सेवन 49 नाइन फिफ्टी और फिफ्टी टू फाइव कैरी सेवन सेवन और फाइव ट्वेल्व तो यह आएगा वन डबल टू फाइव जीरो वन डबल टू फाइव जीरो ठीक है ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी आंसर आता है यहां पे ठीक है इक्वल टू मल्टीप्लाई करके अब वाई वन डबल टू फाइव जीरो माइनस वन वन फोर जीरो जीरो ठीक है सेवनटीन वाई कितना आएगा जीरो और फाइव मतलब एट मतलब फाइव एट फिफ्टी आई गेस जीरो जीरो फाइव में से जीरो जाएंगे जीरो फोर्टीन और सिक्स ट्वेंटी और टू ट्वेंटी टू मतलब एट फिफ्टी वाई की आप माइनस कर देना अगर आपको कोई डाउट रहेगा डिवाइड डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई जाके divide. तो 17, 5, the 85 होता है है ठीक अभी बैट की कीमत निकालनी है बैट की कीमत कैसे निकलेगी जब हम वाई की वैल्यू यहां पे थर्ड इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर देंगे सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ईच बैट आल्सो चल यहां पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट थर्ड इक्वेशन क्या लिखी थी हमने एक्स इक्वल टू थर्टी एट हंड्रेड माइनस सिक्स वाई अपॉन सेवन माइनस सिक्स वाई अपॉन सेवन थर्टी एट हंड्रेड माइनस सिक्स वाई की वैल्यू फिफ्टी अपॉन सेवन थर्टी एट हंड्रेड सिक्स फाइव द थर्टी जीरो एज इट इज थर्टी एट हंड्रेड में से थ्री हंड्रेड जाएंगे विच इज थर्टी फाइव हंड्रेड सेवन फाइव दर्टी फाइव दो जीरो वैसे ही तो एक्स की वैल्यू फाइव हंड्रेड देर फोर देयर फोर कॉस्ट ऑफ ईच बैट ईच बैट जो हमने रुपीस एक्स बोली थी विच इज इक्वल टू रुपीस फाइव हंड्रेड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो हमने रुपीस वाई बोली थी वो कितना निकाला था फिफ्टी रुपीस ठीक है यही थी ये हो गई बैट की कीमत और ये हो गई हमारी बॉल की कीमत ठीक है समझ आ गया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लेंथी भी नहीं है वैसे इतना बट इजी क्वेश्चन है बट आप ट्राई कीजिएगा स्टेटमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने की अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन निकालना एक बार आपको का रूल पता चल गया उसके बाद कोई भी चीज की डिफिकल्टी नहीं है बट आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बार बार वीडियो को दोबारा दोबारा देखिए जहां पे भी जो डाउट रखता है उसको दोबारा रिकेप्चुलेट में देखिए अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है कमेंट में देखिए मैं आपको जरूर कोशिश करूंगा उसको सॉल्व कर देंगे ठीक है चलिए ये हो गया थर्ड पार्ट आज खत्म कर ही देते हैं इसको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है टैक्सी चार्जेस इनसे फिक्स ऑफ द कवर्ड जितना करते हो अब क्या बोलता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर दुपीज वन हंड्रेड फाइव एंड जर्नी ऑफ फिफ्टीन किलोमीटर चार्ज पेड रुपीजन फाइव फाइंड आर द फिक्स चार्जेस फिक्स चार्ज क्या होंगे और बटर द चार्जेस पर किलोमीटर आगे की बात बाद में करेंगे पहले इधर तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिक्स चार्ज क्या होंगे और चार्ज पर किलोमीटर में क्या लगते हैं वो बताओ सबसे पहले हम ये मान लेते हैं मान लो लेट द फिक्स चार्ज है फिक्स चार्जेस रुपी एंड द चार्ज पर किलोमीटर पर किलोमीटर रुपीज वाई ठीक अब क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बात करता है मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा ताकि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जा जाए चलिए मैंने आपको ये बता दिया फिक्स चार्जेस एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज रुपाई बोलता है द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज ओके एंड टूगेदर चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड ओके अब पहली बार अगर एक पर्सन दस किलोमीटर ट्रेवल करता है कितने किलोमीटर दस किलोमीटर तब वो कितने पैसे पे करता है वन हंड्रेड फाइव देखो अगर वो एक किलोमीटर ट्रेवल करेगा फिक्स चार्ज उसको तब भी देने आइदर इट इज ट्रेवल हंड्रेड किलोमीटर तब भी उसको वो फिक्स चार्ज देने देने बट सब्सिकेंट डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है उस पर मैटर करता है उसके चार्ज पर किलोमीटर ओके इसे कितना ट्रेवल किया था टेन किलोमीटर किलोमीटर ये दिया फिक्स चार्ज हो गए एक्स ठीक है और टेन किलोमीटर के पैसे टेन किलोमीटर के ईच किलोमीटर के पैसे कितने हैं तो किलोमीटर के 10 ये याद रखिएगा कि आपको फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना है अब चार्ज एडिशनल किलोमीटर जितने मर्जी जाते हो आप उस हिसाब से आपको चार्ज पर किलोमीटर लगेगा तो इन दोनों को मिला के फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर को मिला के टोटल कितने पैसे पे किए उसने 105 ठीक है पहली कंडीशन भाई इसको मार्क करते हैं नंबर सेकंड फिर दोबारा समझाता हूं कि अगर एक पर्सन सेकंड कंडीशन में बोला है कि अगर वो जर्नी करता है कितना ट्रेवल करता है 15 किलोमीटर कितने किलोमीटर 15 किलोमीटर एंड ही कैन पे 155 तो अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो फिक्स चार्जेस तो तब भी उसको लगेंगे तो फिक्स्ड चार्जेस हो गए x और 15 किलोमीटर गया था ये हो गया 15y क्योंकि किलोमीटर के चार्जेस क्या है वाई तो टोटल इसको मिला के फिक्स चार्जेस एज वेल एज सब्सिकट जो आपको क्या था चार्जेस पर किलोमीटर को मिला के उसे कितने पैसे पे किए 155 ठीक है चलिए सब्सिडन के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में टेकिंग इक्वेशन नंबर वन वी गेट फर्स्ट इक्वेशन है क्या एक्स प्लस टेन दैट इज इक्वल टू 105, ठीक एक्स की वैल्यू यहां से 105 हंड्रेड माइनस टेन वाई इसको मार्क करते हैं नंबर ठीक फर्स्ट हो गया एज ए रूल ऑफ सब्सिट्यूशन मेथड इसको मार्क कर दिया जाए थर्ड इस सब इसको पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन इन इक्वेशन नंबर सेकंड सेकेंड इक्वेशन है क्या, X y, X क्या है? एक्स प्लस फिफ्टीन वाई दैट इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव एक्स की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट करनी है क्लियर हो गया सबको कोई मुश्किल वन हंड्रेड फाइव एस इट इज प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म प्लस में फिफ्टीन में टन गए तो फाइव बाई फाइव बाई यहां पर वन फिफ्टी फाइव प्लस 105 में जाके माइनस 105 बाय तो यहां पे कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा ठीक है इफ वी सबट्रैक्ट फ्रॉम 155 माइनस uh, 105 दैट इज इक्वल्स टू 50 okay. तो y की वैल्यू 50 इज डिवाइडेड बाय 5 सो दैट इज इक्वल टू 10 ये निकल गया हमारा सब्सिकेंट चार्जेस जो आपको चार्ज जिसका हमने नाम रखा था चार्ज पर किलोमीटर तो फर्स्ट किलोमीटर हो चाहे आप सेकंड किलोमीटर थर्ड किलोमीटर हर एक किलोमीटर पर किलोमीटर में आपको चार्जेस कितने पे करने टेन रुपीस चार्जेस थे क्या बाद में हम इसको वेरीफाई करके भी देखेंगे कि वाक्य में इतने पैसे ही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे ओके इसको थर्ड में पुट करते हैं जैसे हमने सबसे में सीखा पुट वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू टेन इन इक्वेशन नंबर थर्ड विकेट थर्ड इक्वेशन है क्या है एक्स 105 माइनस टेन बाई। एक्स इक्व माइनस टेन की वैल्यू टेन एक्स इक्वन हंड्रेड फाइव टेन टेन दंड्रेड एक्स इक्वल टू फाइव ठीक है से हंडर जाएंगे दैट इज फाइव इट मीन द फिक्स चार्जेस इज रुपीज फाइव एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज टेन ठीक है यहां पे इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं दे आर फोर फिक्स चार्ज जो हमने रुपीस एक्स बोला था विच इज फाइव एंड द चार्ज पर किलोमीटर जो हमने रुपीस वाई बोला था विच इज फिफ्टी फिफ्टी निकलता था ना फाइव टेन का फिफ्टी किया था यस yes. नहीं सॉरी टेन सॉरी अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज पूछी गई थी इस क्वेश्चन में बोलता है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो वो कितने पैसे पे करेगा ओके okay. तो चार्जेस यहां पे लिखते हैं सो so, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर कितने भी किलोमीटर जाए इसको फिक्स चार्ज जो है वो एक्स है और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो वाई नाम रखा था यहां पर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर फाइव या आ तो जाएगा टू फिफ्टी और आ गया रुपीज टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव रुपीज इफ यू ट्रेवल ट्वेंटी फाइव किलोमीटर सो फॉर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर ही पे द फिक्स चार्जेस इज रुपीज एक्स सो so

हमारी कंडीशन थी टेन किलोमीटर के लिए x प्लस टेन वाई एक्स की वैल्यू हमने निकाली फिक्स फाइव और y की वैल्यू निकाली हमने कितनी हंड्रेड हंड्रेड प्लस फाइव वन हंड्रेड फाइव जो इसने सही कंडीशन में बताया गया ठीक है समझ आ गया तो ये रहा हमारा आंसर इसका टैक्सी वाला क्वेश्चन का ठीक है ये तो रब है, इसको आप रेज कर दीजिएगा ठीक है क्लियर हो गया सबको कोई डाउट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दो ही क्वेश्चन रहे फाइव इयर्स हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन ओके पांच साल बाद जैकोब की एज तीन गुना ज्यादा हो जाती है अपने बेटे से ओके okay. एक सेकेंड ठीक है आगे क्या बोलता है फाइव इयर्स एगो पांच साल पहले जैकोब की एज सात गुना ज्यादा हो जाएगी अपने बेटे से पहले तो हमें इसको यह पता होना चाहिए कि बेटे की एज क्या है और जैकोब की एज क्या है दोनों पर्सन है तो इनकी एज इसको लेट कर लिया जाए लेट द एज ऑफ जैकोब एक्स इयर्स एंड द एज ऑफ हिसन वाई ईर्स ठीक है पहले तो पांच साल बाद फाइव ईयर्स हेंस एज ऑफ जेको अभी एज एक्स है ले प्रेजेंट एज ऑफ या लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब पांच साल बाद इसकी एज 5 साल बढ़ जाएगी अगर आज किसी बच्चे की एज दस साल है तो ऑटोमेटिकली पांच साल बाद एट प्रेजेंट द एज ऑफ जेकोब इज एक्सर्स आफ्टर फाइव ईयर फाइव द एज ऑफ जेकोबी एक्स प्लस फाइव ईयर्स एंड द एज ऑफ इस सन विल बी वाई ईयर्स थी तो वाई प्लस फाइव अब पहली कंडीशन में क्या बात की थी ठीक है पहले इनके एजिस बना दी पांच पांच साल बाद अब बोलता है पांच साल बाद जेकोब की एज तीन गुना ज्यादा हो जाती है अपने बेटे से किसकी एज तीन गुना ज्यादा होगी बेटे की बेटे से बट किसकी फादर की फादर बड़ा ही होगा हमेशा तो अब क्या लिखते हैं जेकोब की एज पांच साल बाद है x प्लस फाइव जो हमने ये क्रिएट की कितनी हो जाती है ये किसके इक्वल है तीन गुना ज्यादा अपने बेटे की एज से बेटे के साथ ठीक है ये जेकोब की एज को रिप्रेजेंट हो ना कि जेकॉब के बेटे को रिप्रेजेंट हो कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में वाई प्लस फाइव के साथ नहीं थ्री यहां पे लगा देते हैं तो देखिए कंडीशन में उसने बोला है कि जेकोब की एज पांच साल बाद तीन गुना ज्यादा अपने बेटे से हो तो जेकॉब की एज right uh, कौन सा था सॉरी पांच साल बाद तीन तीन गुना ज्यादा हो जाएगी उसकी बेटे की एज के साथ तो बेटे की एज वाई प्लस फाइव ही थी ठीक ही बोल रहे थे वैसे एक्स प्लस फाइव थ्री को वाई से करेंगे थ्री वाई थ्री को फाइव से करेंगे फिफ्टीन ठीक है ठीक है याद रख एक्स प्लस थ्री वाई जाके माइनस थ्री वाई फिफ्टीन प्लस फाइव आ जाके माइनस फाइव ठीक है फिर दोबारा एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू टेन ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जैसे मैंने आपको पांच साल बाद दोनों की चेकओप की और जेकॉब की एज की जेकोब के बेटे की एज बताई उसके बाद मैंने आपको कंडीशन बनाना सिखाई अब मैं आपको बोलता हूं पांच साल पहले एगो क्या होता है पहले ठीक है फ्रॉम ना होता है बाद में तो फाइव इयर्स एगो हेंस में हमने प्लस फाइव किया था एगो में हम माइनस करेंगे जेकोब एज वास माइनस फाइव इन and his son age was y minus five years ठीक है बेटे की भी पांच साल कम हो गई और बाप की भी बाप पांच साल कम हो गई अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोला है जेकॉब पांच साल पहले जेकॉब की एक सात गुना ज्यादा हो जाएगी बेटे से जैसे यहां पे थ्री टाइम्स था वैसे वहां पे सेवन टाइम्स है ओके एक्स माइनस फाइव विच इज इक्वल टू सेवन टाइम्स ऑफ़ हिज तो वाई माइनस सेवन फाइव दर्टी फाइव प्लस सेवन वाई यहां जाके माइनस सेवन फाइव माइनस थर्टी फाइव प्लस फाइव ठीक है माइनस सोलह वा जाके प्लस एक्स माइनस सेवन वाई कितना आएगा माइनस थर्टी

थ्री वाई तो मार्क टू द इक्वेशन नंबर थर्ड इस एक्स की वैल्यू निकल गई फर्स्ट सेकंड तो नंबर लग गया था अब इक्वेशन नंबर थर्ड मार्क कर दिया इसको इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन प्लस थ्री वाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड सेकंड इक्वेशन क्या है दिख रहा है ना सबको सेकंड इक्वेशन क्या है एक्स माइनस सेवन वाई ट इज इक्वल टू माइनस थर्टी एक्स की जगह पे टेन प्लस थ्री वाई माइनस सेवन वाई वैसे ही माइनस थर्टी एज इट इज टेन प्लस माइनस 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 फोर वाई टेन माइनस फोर वाई माइनस थर्टी तो माइनस फोर वाई माइनस थर्टी प्लस टेन वहां जाके माइनस टेन माइनस फोर बाई इक्वल्स टू माइनस फोर्टी यहां पर क्या बन जाएगा माइनस फोर बाई में यही लाइन दोबारा लिख लेता हूं माइनस फोर बाई माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल वैल्यू अब एग्जैक्ट वैल्यू में वाई की मिल गई विच इज टेन अब इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर थर्ड में फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू टेन इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट थर्ड इक्वेशन है क्या है पहले वो देखिएगा थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू टेन प्लस थ्री वाई टेन प्लस थ्री वाई एक्स इक्वल्स टू टेन प्लस एक्स इक्वल्स टू टेन प्लस थ्री वाई की वैल्यू टेन टेन थ्री द थर्टी एक्स इक्वल्स टू इट मींस जैकोब की एज थी फोर्टी इयर्स और उसके बेटे की एज थी दस साल का देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ जेको जो हमने एक्स ईयर्स बोली थी विच इज फोर्टी ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बेटे की एज जो हमने वाई ईयर्स बोली थी वो कितनी आ गई दस चलिए एक स्टेटमेंट को वेरीफाई भी करेंगे क्या बोला था किसी को भी कर लो एक्स माइनस थ्री बाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टेन ठीक है एक्स की वैल्यू फोर्टी माइनस थ्री बाई की वैल्यू टेन फोर्टी थ्री टेन द थर्टी तो फोर्टी में से थर्टी जाएंगे टेन ही आएगा तो टेन इज ऑल्सो इक्वल्स टू टेन तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है ठीक है समझ आ रहा है सबको काफी लंबी क्लास हो रही है बट कोई बात नहीं अब इसको खत्म करके ही करेंगे इसको अरेज कर देता हूं मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक पार्ट छोड़ दिया बेसिकली वो सिक्स पार्ट था ठीक है ये फिफ्थ पार्ट है बट कोई बात नहीं आगे पीछे कर लेते हैं बट क्वेश्चन तो सारे ही खत्म करेंगे क्या क्वेश्चन है दिस इज द लास्ट पार्ट ऐसे A fraction becomes by सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो फ्रैक्शन के टाइम आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए विच इज एनी नंबर यू हैव टू राइट इज इन भी जीरो नहीं होना चाहिए तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि कोई वैल्यू है लेट द न्यूमिनेटर बी न्यूमिनेटर भी x मान लेते हैं एंड द डिनोमिनेटर भी y मान लेते हैं ठीक है फ्रैक्शन क्या हो जाएगी फ्रैक्शन बिकम्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ठीक है x अपॉन y ठीक चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन और बनाते हैं हम कंडीशन को पहली कंडीशन में क्या बात कर रहे हैं बोलते हैं ए फ्रैक्शन बिकम्स नाइन बाय इलेवन बोलते हैं फ्रैक्शन नाइन बाय इलेवन के इक्वल कब इफ टू इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर दें टू ऐड कर दें ओके कर देते हैं टू ऐड ये कर दिया टू ऐड करना मतलब प्लस करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नाइन वाई एटीन प्लस ट्वेंटी टू वहां जाके माइनस ट्वेंटी टू समझ आ रहा है इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई बेटा इक्वल्स टू माइनस फोर सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट फोर है याद रखिएगा माइनस फोर चलिए अब क्या बात करता है सेकंड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन तो बना दी हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक एलिमिनेशन में भी है उस टाइम पे भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बट बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड इस टाइम पे हम सब मेथड की बात करें बोलता है इफ थ्री इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स फाइव बाई सिक्स ओके मतलब एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन है दोनों में थ्री एड कर दो तो वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगी फाइव अपॉन सिक्स के क्रॉस मल्टीप्लाई सिक्स इंटू एक्स प्लस थ्री फाइव इंटू वाई प्लस थ्री ठीक है माइनस फाइव वाई यहां क्या बच गया फिफ्टीन प्लस एटीन वहां जाके माइनस एटीन समझ आ रहा है सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई ज इक्वल टू माइनस थ्री एटीन में से फिफ्टीन जाएंगे तो थ्री आएगा बलट माइनस में इसलिए यहां पे माइनस थ्री है ठीक है दोनों इक्वेशन क्रिएट कर दें ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड चलिए जब दो इक्वेशन बन जाए सब के तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं पहले इक्वेशन ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है इलेवन एक्स माइनस नाइन वाई टू माइनस फोर इलेवन एक्स माइनस फोर माइनस नाइन वाई वहां जाके प्लस नाइन वाई एक्स की वैल्यू माइनस फोर प्लस नाइन वाई होल डिवाइडेड बाय इलेवन मल्टीप्लाई वाला वहां जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा बेटा ठीक है समझ आ गए अब इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड ठीक अब इसको पुट करते हैं पुट दी वैल्यू ऑफ क्या निकाली वैल्यू एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस नाइन वाई अपॉन इलेवन इन इक्वेशन नंबर किसमें लास्ट में किसमें पुट करते हैं हम इन इक्वेशन नंबर सेकेंड अभी तो हमें सेकेंड में पुट करनी है फिर लास्ट में थर्ड में पुट करेंगे यहां हुई ठीक है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिक्स वैसे ही रहा एक्स की वैल्यू माइनस फोर प्लस नाइन वाई अपॉन इलेवन माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस थ्री सिक्स फोर द ट्वेंटी फोर सिक्स नाइन दी फोर वाई अपॉन इलेवन इसके नीचे आएगा अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था जो एलसीएम लेके सॉल्व किया था माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टी फोर वाई इलेवन फाइव दी फाइव वाई अपॉन इलेवन इक्वल्स टू तो माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी फोर फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी फोर प्लस माइनस माइनस फिफ्टी फाइव में से फिफ्टी फोर देंगे वन वाई आएगा सेम ट्वेंटी फोर माइनस वन इक्वल टू माइनस थर्टी थ्री ठीक है यहां पर कितना आएगा प्लस ट्वेंटी फोर वहां जाके माइनस माइनस ट्वेंटी फोर वहां जाके प्लस ट्वेंटी फोर बन जाएगा तो नेगेटिव अच्छा ये पहले यही लाइन लिखते हैं माइनस ट्वेंटी फोर माइनस वाई इक्वल टू माइनस थर्टी थ्री माइनस वाई इक्व टू माइनस थर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी फोर माइनस वाई इक्वल्स टू नाइन नौ हो जाएंगे नाइन प्लस माइनस माइनस होता है तो ट्वेंटी थर्टी थ्री में से ट्वेंटी फोर जाएंगे तो विच इज इक्वल्स टू नाइन लास्ट में किस में पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में पुट दी वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू नाइन इन इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है क्या बनाई थी हमने x एक्स इक्वल फोर प्लस फोर प्लस बाई अपन इलेवन एक्स x टू माइनस फोर प्लस नाइन बाई की वैल्यू नाइन है अपॉन इलेवन एक्स इक्वल टू माइनस फोर नाइन नाइन वन अपॉन इलेवन एक्स इक्वल्स टू यहां लिखता हूं एक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर जिसका नाम हमने रखा था एक्स अपॉन वाई वो क्या आई सेवन अपॉन नाइन एक्स की वैल्यू सेवन और वाई की वैल्यू नाइन तो ये रही हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज ठीक है ठीक है ये क्वेश्चन कर कर दिया ये एक्सरसाइज खत्म हो गई इसके साथ ही हमारा ये पूरा सब्सटीट्यूशन टॉपिक जो है ये खत्म हो गया ठीक है आज कहां से स्टार्ट किया था चलिए सो so ठीक है थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच